ज्यों ज्यों हरियाणा में लोकसभा के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, नेताओं ने अपनी जुबानी जंग तेज कर दी है। बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने मेवात जिले का दौरा कर बयान दिया कि देश को पाक और चीन से कोई खतरा नहीं है, बल्कि मोदी और भाजपा से देश को खतरा है। ये देश को बांटने में लगे हुए हैं। उसके बाद अब फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी जी से देश को खतरा नहीं, बल्कि कांग्रेस को खतरा है। मोदी जी के रहते हुए कांग्रेस कभी पनप नहीं सकती। कांग्रेस से लोगों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन मोदी का खतरा कांग्रेस के लिए बरकरार रहेगा। लेकिन मोदी जी से देश को खतरा नहीं है, मोदी जी से कांग्रेस को खतरा है। तो मोदी जी के रहते कांग्रेस पनप नहीं सकती, कांग्रेस पर लोगों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए वो नाम दूसरा लेते हैं। लेकिन खतरा असली कांग्रेस को है मोदी जी से, और मोदी जी का खतरा ही कांग्रेस पर बरकरार रहेगा। कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह बढ़ाना की एंट्री होगी आज से पलवल जिले में, क्या कहेंगे आप, कितने दिन बचे हैं? देखिए कितनी एंट्री कर दी, लोगों ने मन बना लिया, अब लोगों का मन नहीं बदल सकता। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनना है और कृष्ण पाल ने मोदी जी के साथ रहना है। वहीं उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना पर निशाना साधते हुए कहा कि भड़ाना अब पलवल जिले में कितनी भी एंट्री कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों ने अब मन बना लिया है कि पीएम मोदी को फिर से पीएम बनाना है और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर को सांसद बनाना है। वहीं उन्होंने कहा कि अवतार सिंह भड़ाना को अपने लोकसभा क्षेत्र के मेवात का भी इतिहास नहीं पता, वो इस्लाम की उत्पत्ति मेवात से बताता है। भड़ाना को जब ज्यादा शराब चढ़ जाती है तो वह बस कुछ भूल जाता है और बिना पिए भड़ाना कुछ भी बोल नहीं सकता, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उन्होंने भड़ाना का बिना नाम लिए कहा कि जो अपनी पार्टी का नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता। उसने मेवात से चैलेंज दिया था कि उन्हें 95% मतदान करना चाहिए, लेकिन वो पलवल और फरीदाबाद की जनता से अनुरोध करते हैं कि आपको भी मेवात से मतदान करने में पीछे नहीं रहना है। यदि वहां 80% मतदान होता है तो यहां भी 90% मतदान होना चाहिए, ताकि भड़ाना को पता चल जाए कि पलवल और फरीदाबाद के लोग कितना मतदान करते हैं। कहता है इस्लाम की उत्पत्ति मेवात से हुई थी, अरे मेवात तो कन्वर्टी मुसलमान है तेरे सारे हिंदू से, इस्लाम की उत्पत्ति यहाँ से कहाँ से हो गई पता ही नहीं रहता हूँ। जब प्यादा चढ़ जाती है तो भूल जाता है, वोट आने वाले हैं।